एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो ए की वैल्यू पूछ रहा, और ये लिमिट मान लो एल है, तो एल की वैल्यू पूछी जा रही है। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंशन था, हमने बताया था 1 + x^n का एक्सपेंशन, जब n नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो ये होता है 1 + nx, n n-1/2 x² n n-1 n-2/3 x³, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जाता है बच्चे। इसका हम यूज करेंगे, तो लिमिट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये a है, इसमें से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो बाहर ए आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 - x²/a², इसका पावर 1/2 हो जाएगा, -x²/4 अपॉन x का पावर 4 होगा बच्चे। अब यहाँ पे देखो, ये वाले एक्सपेंशन में यहाँ पे 1 है, x की जगह -x²/a² है, n की जगह हाफ दिया हुआ है, n इज फ्रैक्शन हियर, तो आप इसका एक्सपेंशन लिख डालो बच्चे। तो a माइनस a, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, तो 1 + nx, n की जगह हाफ है और x की जगह -x²/a² है, तो -1/2 x²/a² आएगा। आप चाहो तो दो ही टर्म लिख सकते हो, आगे नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख लेते हैं एक और टर्म, प्लस n हाफ है तो हाफ, हाफ -1 - ½ हो गया, बाई फैक्टोरियल 2, फिर x², x की जगह ये है -x²/a², तो स्क्वायर करने से x का पावर 4/a² आएगा। ऐसे सब टर्म लिखते जाओगे, -x²/4 आएगा अपॉन x का पावर 4 होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहां पे क्या होगा, a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आता है वो जरा लिख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आएगा वो 1/2a होगा, और यहां से -1/4, इसके बाद ये हो गया माइनस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको कैंसिल होके यहाँ पे ए क्यू आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू है 1/8, 1/8 एक्स का पावर 4/aq, और ऐसे हम लिखते जाएंगे, और नीचे x का पावर 4, सेम स्टेप आ गया जो लास्ट में कुछ ऐसा स्टेप था, यहाँ पे पावर 5 था, यहाँ पावर 5 था, यहाँ पावर 5 और यहाँ लोअर पावर था। तो हमने बताया था कि अगर ये टर्म जीरो नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ी होगी, मान लो इसकी वैल्यू फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि 5 है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो यहाँ पे ये बचेगा 5 और नीचे एक्स स्क्वायर, और x टेंडिंग टू जीरो है तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, 1/2a - 1/4 जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 2 होनी चाहिए बच्चे, और a अगर 2 होगा, ये खत्म हो गया, अब आपको लिमिट लिखनी है, तो x का पावर 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 1/8 a³ बचा, बाकी में तो x रहेगा ही, x टेंडिंग टू 0 पे ये खत्म हो जाएगा, तो लिमिट आ जाएगी 1/8 a³, a की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/64 आ जाएगा, तो l की वैल्यू हो गई 1/64, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, एल की वैल्यू 1/64 हो जाएगी। मतलब आपको ये एक्सपेंशन भी ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है ना, बोलिए। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सपेंशन का, इसी तरह 10 - x का पावर 1/3 ले लिया, -2 ले लिया अपॉन एक्स माइनस टू ले लिया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 कर दिया,
अब एक्सटेंडिंग टू टू पे ये जीरो की तरफ जाएगा, ये टू रखोगे तो एट का पावर वन बाई थ्री टू आएगा, टू माइनस टू ये जीरो की तरफ जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेट एक्स माइनस टू का नाम एच दे देते हैं। अगर एक्स माइनस टू का नाम एच दे दिया तो ये एच आ गया, एक्स आपके पास हो जाएगा टू प्लस एच, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एट माइनस एच का पावर वन बाई थ्री माइनस टू, और यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब एक्सपेंशन यूज करने के लिए यहाँ पे वन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एट यहां से कॉमन ले लिया, एट कॉमन ले लोगे तो उसका पावर वन बाई थ्री होने से टू आएगा, बाहर टू आ जाएगा, इन दोनों में टू कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस एच का पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन एच। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू, इसका एक्सपेंशन लिख दिया यहाँ वाले से, तो ये होगा वन प्लस एन एक्स, एन की जगह वन बाई थ्री है, एक्स की जगह माइनस एच है, तो ये वन माइनस वन बाई थ्री एच, और हाइयर टर्म ऐसे आएगा माइनस वन बाई एच, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा बच्चे, पूरे में से एच कॉमन लेके कैंसिल कर देना, तो आंसर में आपका जो बचेगा यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री बचेगा, बाकी तो एच रहेगा ही, वो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा बच्चे, ये माइनस टू बाई थ्री हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना बच्चे, ये बोलिए, ये क्लियर है, कुछ बोल नहीं रहे तो मान के चल रहा हूं। सर ये सर अरविंद सर, हाँ ये टू कॉमन लेने पर एच बाई एट नहीं आएगा, वन माइनस एच बाई एट। एक मिनट एक मिनट, टू कॉमन लेने पे वन माइनस एच बाई एट, यस नीचे ये वाला, यस सर, एट का पावर वन बाई थ्री लेने से हमारे पास ये एट कॉमन लिया था, अच्छा ये एच बाई एट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एच बाई एट आएगा, गुड। तो यहाँ पे चेंज में क्या आ जाएगा, ये एच बाई एट हो जाएगा, यही ना, यस सर। तो आंसर में हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा, यस सर। अब ठीक है ना, यस सर, ठीक है, यही हमें यहाँ पे गड़बड़ी किया। द इंटीजर एन, जैसा शुरुआत में पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह का है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई टू अपॉन एक्स का पावर एन है, ये फाइनाइट नॉन जीरो है, लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो, तो द इंटी और एन इंटीजर बताना, द इंटीजर एन फॉर विच लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो, ये पहले आएगा, द इंटीजर एन फॉर विच लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो है, तो इसकी बात करनी है बच्चे, जो शुरुआत में क्वेश्चन लिया था ना
वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपेंशन हमको यूज करना पड़ेगा बच्चे, है ना। पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे कॉस एक्स कॉमन लेने पे कॉस एक्स माइनस वन हुआ, और यहाँ पे e का पावर x कॉमन लेने पे cos x माइनस वन हुआ, माइनस एक्स क्यू बाई टू अपॉन एक्स का पावर n आया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, cos x माइनस वन और cos x माइनस e का पावर x, माइनस एक्स क्यू बाई टू बाई एक्स का पावर n। और चाहो तो इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स क्यू बाई टू अपॉन एक्स का पावर एन। बोलिए, जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था उसमें ये वाला टर्म नहीं था, यहाँ पे एक टर्म और दे दिया गया, वहां पे हमने यूज कर लिया था क्योंकि ये टर्म नहीं था, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का यूज कर लिया था, यहां मत यूज करो, एक्सपेंशन यूज कर दो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस कॉस का एक्सपेंशन में आता 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे लिखा। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन में आता 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखो। माइनस कॉस के एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे लिखा। माइनस एक्स क्यू बाई 2 बाई एक्स का पावर n। अब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसमें से 1 कैंसिल होगा और यहां भी 1 कैंसिल होगा। अच्छा, इस ब्रैकेट से ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप एक्स स्क्वायर मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो इसमें हमारे पास बचा 1 बाई फैक्टोरियल 2, और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम एक्स का पावर 1 है, तो एक्स अगर कॉमन लेंगे, यहां भी x कॉमन ले लिया, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, और ये मिलके x स्क्वायर है, x x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 मिलके x स्क्वायर हुआ, x कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचेगा, ऐसे टर्म सब ये सब आएगा। माइनस एक्स क्यू बाई 2 बाई एक्स का पावर एन आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, बोलिए। तो यहां पे हम क्या चाहेंगे, सपोज करो अगर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक्स क्यू आ चुका है टोटल, अगर पूरे में से एक्स क्यू, इन दोनों में से एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स क्यू आ गया और यहाँ पे 1 बच गया बच्चे, ऐसे आ गया। तो एक तो यहां से 3 कैंसिल होके एक्स की वैल्यू एन माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें बच्चे, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या टर्म आएगा, जरा वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ वाला 1 से मल्टीप्लाई होके ये इससे कैंसिल होगा, हाँ या ना। कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, तो ये जो टर्म हमारे पास आने वाला है वो क्या आने वाला है वो देखना पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे
जो ये एक्स क्यू ये वाला टर्म है, वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल होगा, जब ये एक्स वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स बाई टू आएगा। अच्छा, और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आएगा। ऐसे ये टर्म चलेगा बच्चे, अपॉन एक्स का पावर एन माइनस थ्री। अब यहाँ का x निकल के इसके x से कैंसिल होना चाहिए और नीचे x बचना नहीं चाहिए, अगर गलती से भी x नीचे बच गया तो वो इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, और n की चूंकि हमको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू 4 देने पे ही बात बनेगी बच्चे। n अगर 4 होगा ना तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये हाफ माइनस एक्स बाई 16 ऐसे और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हाफ आ जाएगा फिर, और ऐसा होगा n इक्वल टू 4 पे, ऐसा होगा n इक्वल टू 4 पे। ये क्लियर है? प्रीतम बताओ। यस सर। ठीक है ना ये? यस सर। गुड। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। एक आपको इसका भी एक्सपेंशन लिख लो जरा, वन प्लस एक्स के पावर वन बाई एक्स का एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स, इसका एक्सपेंशन के लिए लेट वाई हमने ले लिया वन प्लस एक्स का पावर वन बाई एक्स। अब जैसे ए के पावर एक्स को लिखते हो ई का पावर एक्स लॉग ए, वैसे हमने लिख दिया ई का पावर वन बाई एक्स लॉग वन प्लस एक्स, तो ई का पावर वन बाई एक्स लॉग का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री ऐसे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस एक्स बाई टू आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री आएगा डॉट डॉट, और आप इसको लिख सकते हो ई का पावर वन और ई का पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस डॉट डॉट। हमने यहाँ पे वन को अलग कर लिया। अब यहाँ पे आप ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, e का पावर x की जगह ये पूरा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये ब्रैकेट बाई फैक्टोरियल 1, ये ब्रैकेट का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ब्रैकेट में है माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस, ज्यादा टर्म नहीं लिख रहे हैं, दो ही टर्म लिख रहे हैं, माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस डॉट डॉट, तो ये हमारे पास आ जाता है। एक तो आएगा ये इससे मल्टीप्लाई होके ई आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके ई एक्स बाई टू आ जाएगा बच्चे। अब देखो क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर को ओपन करोगे ना तो हर का स्क्वायर आएगा प्लस पेयरिंग आएगा, तो जब इसका स्क्वायर आएगा तो ये देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई फोर हो गया डिवाइड बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई एट आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई थ्री है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो वन बाई थ्री प्लस वन बाई एट, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आएगा आपके पास यहाँ पे वन बाई थ्री आएगा
और जब इसका स्क्वायर करोगे ना, देखो इसका जब पूरे का स्क्वायर लिखोगे तो इंडिविजुअल का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स पेयरिंग आएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर बाई फोर डिवाइड बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई एट आ गया। एक्स स्क्वायर बाई थ्री और एक्स स्क्वायर बाई एट को आप एड करोगे तो ये 11/24 एक्स स्क्वायर आएगा, और ये ई से मल्टीप्लाई होके 11/24 ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। बाकी टर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि 1 + x^1 / x का ये एक्सपेंशन होता है। शुरुआत के तीन टर्म अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है। आई बात समझ में? 1 + x^1 / x का एक्सपेंशन आप ऐसे लिखोगे। इसके अगर अगर एप्लीकेशन की बात करें, अच्छा ये आपको ध्यान है, यहां से भी देख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे 1 + x^1 / x, ये 1 to the power infinity फॉर्म है, ये यहां से भी बता सकते हो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये सारे जीरो हो जाएंगे तो ये e की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है 1 + x^1 / x माइनस ई अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है मान लो, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये ई की तरफ जाएगा, ई माइनस ई जीरो की तरफ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म है बच्चे। तो यहाँ पे आप अगर एक्सपेंशन यूज करते हो, ये कहते हो ये ई है माइनस ई एक्स बाई टू है प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर है डॉट डॉट माइनस ई बाई एक्स है, तो ई कैंसिल होगा, पूरे में से कॉमन लेके एक्स कैंसिल कर दोगे तो आंसर में बचेगा माइनस ई बाई टू। क्लियर है? बोलिए। सेकंड क्वेश्चन इसी पे बनता है 1 + x^1 / x माइनस ई प्लस ई एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई एक्स स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये हो गया ई, ई माइनस ई जीरो, ये जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है बच्चे। तो अगर आप एक्सपेंशन यूज करोगे ना, इसका एक्सपेंशन यूज करोगे तो ये वाले दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर में बचेंगे 11/24 ई एक्स स्क्वायर और हाइयर पावर बचेगा, और नीचे ई एक्स स्क्वायर है तो कॉमन लेके ई एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो यहाँ 11/24 बाकी में एक्स रह जाएगा जो जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/24। क्लियर है? बोलो बच्चे। अरुण? यस सर। अमोद? अर्पित? बात समझ में आ रही है? रिस्पोंड करो बच्चे। अमोद है, अर्पित है। यस सर, यस सर। लोवांशु समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, थोड़ा 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 थोड़ा, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा क्या पूरा? क्या बोलो बेटा? सर विजिबिलिटी आ रही है सर। हाँ, कोई दिक्कत हो तो पूछा करो, ऐसे घबराओ मत। तनु? तनु कभी कभी क्लास करती है? यस सर। क्लास रेगुलर नहीं कर रही है बेटा? सर रेगुलर तो कर रही हूँ, कभी नेटवर्क इशू हो जा रहा है अभी। अच्छा, आज क्लास में निकिता है कि नहीं? है सर। अच्छा, यशस्वी? यस सर। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर।
वंशिका यस सर ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तुरंत बोला करो ठीक है। ओके सर ओके। इसी सब क्वेश्चन को आप चाहो तो 1 to the power infinity फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लो, आपको ये ध्यान होगा, कुछ बच्चे अगर नहीं किए होंगे तो ज्यादा ध्यान से देखना, एफ एक्स का पावर जी एक्स है और अगर इसमें लिमिट अप्लाई किया गया है, इसमें लिमिट अप्लाई करने पे एफ एक्स पे अप्लाई करने पे ये 1 की तरफ जाएगा और जी एक्स पे अप्लाई करने पे ये इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, तो इसको कहते हैं 1 to the power infinity फॉर्म। इसको बनाने का तरीका ये होता है, जो e है वो लिखो, e का पावर जो लिमिट है वो लिखेंगे एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, इससे हम करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये e की तरफ जाता है, हमने e से डिवाइड कर दिया ये 1 की तरफ चला गया और यहां लिख दिया 1 बाई एक्स लिख दिया, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये e बाई e ये 1 की तरफ, ये 1 to the power infinity फॉर्म है बच्चे। अब इसको बनाने का तरीका है इस वाले रूल से, e लिखते हैं उसका पावर लिमिट, जो लिमिट है वो लिखेंगे, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो ये एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स और ये आ जाएगा e का पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स माइनस e बाई ई एक्स। ये देखो 0 by 0 फॉर्म हो गया, ये अभी आप कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन, जब आपने इसका एक्सपेंशन यूज किया था तो e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर ऐसे ही आया था माइनस e बाई ई एक्स, ये e कैंसिल होगा, पूरे में से कॉमन लेके ई एक्स कैंसिल कर दो तो यहाँ पे माइनस हाफ बच जाएगा और इधर में जब x रहेगा वो टेंड कर रहा 0 की तरफ तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगी इसकी e का पावर माइनस 1/2, e का पावर ये वाला बचेगा माइनस 1/2, ई एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दिए हैं, तो ये 1 to the power infinity फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ना यहाँ तक, 1 to the power infinity फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक फॉर्मूला हम खाली लिख लेते हैं, उसी से रिलेटेड एक बताते हैं। ये होता है एफ डैश एक्स की डिफिनीशन, ये होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें दोनों चीज है, ये 0 प्लस भी है और 0 माइनस भी है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इफ इट एग्जिस्ट, तो जो भी वैल्यू आएगी वही एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स की ये डिफिनीशन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस होता है, ये देखो ये वाई का डिफरेंस है डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंस है। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ये ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये हमने x लिया हुआ है, ये x प्लस h लिया हुआ है, ये डिस्टेंस h लिया हुआ है, हम राइट साइड में भी ले सकते हैं लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं। x पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कॉमा एफ एक्स होगा और x प्लस h पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो x प्लस h कॉमा एफ एक्स प्लस h होगा। हमने कर्व पे 2 पॉइंट ले लिया बच्चे, अब इस कॉर्ड की जो स्लोप होगी वो होगा y का डिफरेंस
डिवाइड बाय एक्स का डिफरेंस, ये इस कॉर्ड की स्लोप हो गई, ये डिस्टेंस एच है बच्चे। तो एक्चुअली जब एच को स्मॉल करोगे ना तो ये पॉइंट इसके नजदीक आएगा, ये पॉइंट इसके नजदीक आएगा। तो अगर आप एच को टेंड कराते हो जीरो की तरफ यहां से, तो क्या होगा, ये वाला जो कॉर्ड है वो ये यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये देखो स्लोप है, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। जब एच को स्मॉल करते हो ना दोनों तरफ से, ये तो हम राइट में फिगर बनाए, लेफ्ट में भी फिगर होता है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यही एफ डैश एक्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं कि ए पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि वहां पे स्लोप, अगर आप कहते हो कि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब वहां पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्स पे डिफरेंशिएबल, ए पे डिफरेंशिएबल में ये आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब वहां पे यूनिक स्लोप होगी और जो भी वैल्यू आएगी वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एफ डैश ए। जैसे मान लो आपसे पूछेगा एफ डैश वन का क्या मतलब है, तो आप कहोगे एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। कहोगे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा वही एफ डैश वन होगा। सिमिलरली एफ डैश जीरो का क्या मतलब होगा, एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो ये एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ये प्रैक्टिस करना है तुमको। किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब दिमाग में समझो कि वहां पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे ये कर्व हमने ले लिया बच्चे, ये देखो मॉड एक्स का कर्व ले लिया, हम कहते हैं ये जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके राइट में टेंजेंट बनाएंगे तो ये आएगा, लेफ्ट में टेंजेंट बनाएंगे ये आएगा, दो अलग अलग टेंजेंट आता है। लेकिन अगर मान लो कर्व ऐसे स्मूथ है और ये मान लो कि एक्स इक्वल टू ए है, तो ए पे डिफरेंशिएबल होने का मतलब है ए पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना। यूनिक टेंजेंट कब एग्जिस्ट करता है, जब आप ए पे आप टेंजेंट बनाते हो लेफ्ट से और ए पे टेंजेंट बनाते हो राइट से, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन अगर आ गया तो हम कहते हैं ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर अलग अलग स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, कॉर्नर बन गया यानी वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, याद रहेगा? बोलिए। ये देखो वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म और इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन कह रहा है कि एफ रियल टू रियल फंक्शन है, एफ वन की वैल्यू थ्री है, एफ डैश वन सिक्स दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ वन प्लस एक्स अपॉन एफ वन होल टू द पावर वन बाई एक्स। एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये एफ वन होगा, ये नीचे एफ वन, तो ये वन की तरफ, ये इन्फिनिटी की तरफ, ये वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको हम बनाते हैं ई का पावर जो लिमिट है वो लिखते हैं, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो ये हो गया ई का पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एक्स माइनस एफ वन अपॉन एफ वन है और नीचे एक्स है। ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है, हम जो डिफिनेशन यूज कर रहे थे वहां पे एच यूज कर रहे थे,
एफ वन प्लस एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो यही चीज बन गया एफ डैश वन। हम अभी तक फॉर्मूला में x की जगह h लिख रहे थे, यहाँ पे h की जगह x है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, वो जीरो की तरफ जा रहा। तो दिस बिकम्स एफ डैश वन, तो e का पावर एफ डैश वन बाई एफ वन, और एफ डैश वन की जो वैल्यू दी हुई है वो सिक्स दी हुई है, तो e का पावर सिक्स बाई ये थ्री हो गया, तो e स्क्वायर के बराबर हो गया। बच्चे आई बात समझ में? यस सर। यस। देखो किसी दिमाग में ऐसे समझो, जरा सेट करो, मान लो ये कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स है, मान लो आपने इस पे दो पॉइंट ले लिया है, मान लो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है और इसका बीटा है, तो ये जो पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा एफ अल्फा हो गया, और ये पॉइंट बीटा कॉमा एफ बीटा हो गया। बच्चे अब इस कॉर्ड की जो स्लोप है वो है, या चलो ये पॉइंट जनरल ले लेते हैं, एक्स कॉमा एफ एक्स ले लेते हैं, यहां पे एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड की जो स्लोप हो गई एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा, वाई का डिफरेंस डिवाइड बाय एक्स का डिफरेंस, ये तो कॉर्ड का स्लोप हो गया। अब क्या करो, इस एक्स को अल्फा की तरफ अप्रोच कराओ। अगर राइट से अप्रोच कराओगे, मतलब ऐसे लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये जब ये पॉइंट इसके करीब आएगा तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट आफ्टर एक्स इक्वल टू अल्फा। अल्फा पे राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जस्ट आफ्टर एक्स इक्वल टू अल्फा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश अल्फा प्लस बोलते हैं, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू अल्फा। लेकिन अगर यही वाला पॉइंट इधर आ जाए, इसको इधर कर लेना, तो ये वाला यहां पे तो कोई चेंज नहीं, एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। अब अल्फा पे अगर अप्रोच करोगे लेफ्ट से तो ये देगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अल्फा, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये दोनों सेम अगर हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो गया, मतलब जो राइट पे आपने टेंजेंट बनाया है अल्फा के बाद और अल्फा से पहले जो टेंजेंट बनाया है दोनों सेम लाइन हो गया, तो हम कहते हैं फंक्शन अल्फा पे डिफरेंशिएबल होगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, यानी आप कह सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा एफ एक्स माइनस एफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा लिमिट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मतलब अल्फा प्लस जो आया वही अल्फा माइनस आया, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट तो दिस बिकम्स एफ डैश अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? बस लिखा रहना चाहिए y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। x अगर अल्फा की तरफ अप्रोच कर गया तो एफ डैश अल्फा हो जाएगा, और अल्फा अगर x की तरफ अप्रोच कर गया तो एफ डैश x हो जाएगा। ये आपके ऊपर है किधर पे आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। कभी भी अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ सेम फंक्शन हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। इसमें भी पूरा लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है, और कंटिन्यूटी की बात हमने कहा ही था, x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस तब होगा जब a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो f a के बराबर होगा। डिफरेंसिबिलिटी चेक करने का तरीका यही है, दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन है, मान लो अल्फा के दोनों तरफ सेम फंक्शन है, कोई बात नहीं, इस फॉर्मूला को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम फंक्शन ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, एफ एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स का मॉड ले लिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, और एक्स इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है, ठीक है।
बोलिए। एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स का मॉड व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये है। मान लो हमको चेक करना है कि जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखो, जीरो के दोनों तरफ यही वाला फंक्शन है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे ये है। तो जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप ये निकाल लो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। देखो ये वाई का डिफरेंस डिवाइड बाय एक्स का डिफरेंस हो गया और एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यही एफ डैश जीरो हो जाएगा। अगर वन पे चेक करना रहता तो यहाँ पे वन आ जाता, यहाँ पे एक्स माइनस वन आ जाता। अल्फा पे करना होता तो ये अल्फा होता, यहाँ एक्स माइनस अल्फा हो जाता। हमको जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो ये वाला आप लिमिट निकालोगे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स का मॉड है, एफ जीरो, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है और नीचे एक्स आ गया, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स कैंसिल होके ये एक्स कॉस पाई बाई एक्स का मॉड आ गया। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो पे मान लो इसकी वैल्यू ये कॉस है, तो कॉस का मॉड है तो ये जीरो से वन के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन ये तो जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो जीरो इंटू फाइनाइट ये ओवरऑल जीरो की तरफ चला जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। इट मीन्स एफ डैश जीरो की जो वैल्यू हो गई वो जीरो के बराबर हो गई। इज इट क्लियर? यस सर। तो जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ऐसे कर सकते हैं। मान लो इसी तरह हम सिंपल फंक्शन बना लिए कि एफ एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू वन दे देते हैं, ठीक है। इसकी जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो और फाइंड एफ डैश जीरो इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलो जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो जीरो के दोनों तरफ सेम फंक्शन है साइन एक्स बाई एक्स, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, काम खत्म। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स है साइन एक्स बाई एक्स और एफ जीरो वन है, ऐसे लिख दिया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, साइन का एक्सपेंशन अगर हम यूज करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री डॉट डॉट माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्स सब में बच जाएगा, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे वो जीरो की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। और अगर मान लो कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जीरो पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, भाई ग्राफ अगर डिफरेंशिएबल है मतलब टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है मतलब ग्राफ है तभी तो बन रहा है टेंजेंट, तो अपने आप उस जगह पे कंटिन्यूअस होगा। याद रखना, अगर x इक्वल टू a पे मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो जरूर वो कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि वहां पे आप टेंजेंट बना रहे हो यूनिक, टेंजेंट तभी बनेगा जब ग्राफ होगा, ग्राफ होने का मतलब ही है कि वहां कंटिन्यूअस हो गया। और अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
आई बात समझ में? यस सर। तो किसी भी पॉइंट के दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन हो ना बच्चे, तो ये फॉर्मूला आप यूज करना डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए। आई बात समझ में? जैसे एक दूसरा हम लेते हैं, एक फंक्शन हम ले लेते हैं x अपॉन वन प्लस मॉड x ले लिया, ठीक है, x प्लस मॉड x ये ले लिया बच्चे। मान लो आपसे कहता है चेक डिफरेंसिबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो। जीरो पे ये डिफरेंशियबल है या नहीं है, क्योंकि देखो मॉड एक्स जो है ना ये जीरो के अराउंड ही चेंज होता है, ये डाउटफुल पॉइंट है। तो चलो हम ये निकाल लेते हैं सीधे, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियबल होगा। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो एफ एक्स तो हमारे पास हो गया एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, एफ जीरो जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी, अपॉन एक्स आ गया बच्चे। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, हाँ या ना, बोलिए। अब यहां पे देखो ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो, क्योंकि ये मॉड एक्स है जीरो के राउंड ब्रेक करता है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं जिसको आप यहां पे कहोगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जीरो प्लस पे जो इसकी वैल्यू होगी, एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स को हम एक्स लिखेंगे, एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वन हो गया, और अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें जीरो, एक्स जीरो पे अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी एक्स इज निगेटिव हियर, तो मॉड एक्स को आप माइनस एक्स लिखोगे, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये वन की तरफ आएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये वन के बराबर है बच्चे। तो ये फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशियबल हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में डिफरेंशियबल हो जाएगा, कि अगर डाउटफुल पॉइंट पे जहां पे कर्व बदल रहा है अगर वहां पे ये डिफरेंशियबल है तो बाकी जगह तो ये डिफरेंशियबल है। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। बहुत सारा चीज कभी कभी ग्राफ से भी हम देख के बता सकते हैं बच्चे कि डिफरेंशियबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एफ एक्स ले लिया मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जो है इन दोनों में जो मिनिमम है उसको लेना है। चलो दोनों का कर्व बना लो बच्चे, एक वाई इक्वल टू एक्स का कर्व बना लिया और एक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बना लिया। ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा वन पे, ये पॉइंट होगा वन कॉमा वन। एफ एक्स डिफाइन किया गया इन दोनों में जो मिनिमम है वो लेना है। तो कर्व का जो दो कर्व है जिस पोर्शन में जो कर्व नीचे होगा ना वही मिनिमम हो जाएगा। जैसे जीरो से पहले इन दो कर्व में नीचे ये है तो मिनिमम ये हो गया, एफ एक्स इसके बराबर हो गया। नीचे है मतलब अगर इसका नाम वाई दे दो तो यानी ये कम है, तो ये वाला कर्व हो गया एफ एक्स का। और जीरो से वन में ये एक्स स्क्वायर का कर्व हो गया, ये नीचे है, हम जो डार्क कर रहे हैं वही एफ एक्स है, और वन के बाद ये वाला है। तो कर्व ऐसे जा रहा है बच्चे एफ एक्स का, ये वाई इक्वल टू एक्स है, फिर ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये एक्स हो गया। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट जीरो है और ये पॉइंट वन है। यहां पे आपके पास शार्प कॉर्नर बन रहा, यहाँ पे यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि राइट में अलग लाइन बनेगी लेफ्ट में अलग लाइन बनेगी। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो,
although function is continuous throughout. Function throughout continuous है but not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1 क्योंकि यहाँ पे sharp corner बन रहा. आप ये भी बता सकते हो 1 के बाद ये y equal to x है तो जो slope आएगी dy by dx आएगी f dash x आएगी वो 1 आएगी. भाई अगर मान लो fx 1 के बाद x है तो f dash x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो जैसा चॉइस रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो. क्लियर है? कभी मिनिमम दिया रहेगा कभी मैक्सिमम दिया रहेगा तो ग्राफ से आप बना के आप देख सकते हो. जैसे दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे लिख देते हैं. एफ एक्स है मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 2. तो ये तीनों कर बनाएंगे हम बच्चे. y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बना लो. y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनाओगे. y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बनाओगे. y इक्वल टू 2 बनाओगे. 1 माइनस एक्स हम बना रहे हैं. ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 तो ये 1 पे कट करेगा. y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 यहाँ पे कट करेगा. ये लाइन ऐसे बनेगी. y इक्वल टू 1 प्लस एक्स ये ऐसे बनेगा बच्चे. ये 0.01 है. ये 1.0 ये -1.0 और सेकेंड है y इक्वल टू 2 लाइन. ये ऐसे लाइन बनेगी y इक्वल टू 2. अब कह रहे कि fx जो हमको लेना है इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो लेना है. अच्छा इसको ये पॉइंट कौन सा होगा निकाल सकते हो. y इक्वल टू 2 को और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो. तो ये देखो कि यही वाला पॉइंट आएगा -1 आएगा x इक्वल टू -1 और ये वाला 1 वाला आएगा. सॉल्व करके देख लेना दोनों को. हमने तीनों कर बना लिया. एक y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनाया एक y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बनाया एक y इक्वल टू 2 बनाया है बच्चे. क्लियर है? अब fx इज मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 2. तो आप कहोगे -1 से पहले इस कर्म में इस कर्म में इस कर्म में और इस कर्म में ये ऊपर है तो ये वाला लेंगे. दिस इज fx. ये सबसे ऊपर है. बिटवीन -1 to +1 दिस कर्व इज अबव ऑफ ऑल कर्व और 1 के बाद ये वाला है. तो ये fx का कर्व हो गया बच्चे. कहां कहां पे कॉर्नर बना बोलो. कहां कहां पे कॉर्नर बना. -1 + 1 इट मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1. ग्राफ इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड दिस इज कर्व ऑफ fx. तो लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1 कंटिन्यूअस थ्रू आउट. यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर. चलिए तो यहां तक आप लोग रिवाइज करो फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है लिमिट्स के